वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। और आज इतने दिनों बाद, इतने वेट के बाद फाइनली हम काली मिर्च के ऊपर वीडियो बना पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे कोकन में। तो कोकन में आने के बाद काली मिर्च और कोकन, इन दोनों को संग्रह के लिए आज हम ऐसे दो दिग्गज से मिलने वाले हैं जिन्होंने इन दोनों ही विषयों में बहुत अच्छा से काम किया हुआ है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे साथ है यहाँ पे अजिंक्य जी और ये सचिन पवार। तो अजिंक्य जी, आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है अजिंक्य बेरड़े और मैं अम्बा घाट में नेचुरलिस्ट का काम करता हूँ। यहाँ पे मैं टूरिज्म एडवाइज़र का काम करता हूँ। अम्बा एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो कि इंडियन बाइसन या इंडियन गौर के लिए संरक्षित किया गया है। ये इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया, मैं बताता हूँ। ये ट्रैवल ब्लॉग्स करते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं अम्बा और इसका जो नेचुरल और बायोडाइवर्सिटी जो है उसके बारे में ये बताते हैं। तो इनका खुद का एक अपना चैनल है अजिंक्य ट्रैवल लॉग। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। साथ में हम मिलेंगे सचिन के साथ। सचिन, तो सचिन एक फार्मर हैं और उन्होंने काली मिर्च के ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत काम किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? नमस्कार, मैं ये पिछले 3-4 सालों में काली मिर्च के बारे में काम कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र में थोड़ा कोकण एरिया और कोकण का जो आजू बाजू का कोस्टल एरिया है पश्चिम घाट बोल के, उसमें उगाया जाता है। उसके बारे में डिटेल्स में हम बताएंगे अभी कैसा है उसका थोड़ा सा। इसके बारे में अगर डिटेल जानना भी है तो सचिन का भी एक वीडियो यूट्यूब का चैनल है सचिन पवार नाम से। तो उन्होंने भी काली मिर्च के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अजिंक्य से समझते हैं कि काली मिर्च और इंडिया के साथ जो उसका रिलेशन है या कोकन के साथ उसका क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अजिंक्य, जैसे कि हम जानते हैं भारत मसालों की भूमि, भारतीय मसाले हमेशा से ही विशिष्ट स्वाद, गंध, बनावट के मामले में विश्व बाजार पर हावी रहे हैं। यूरोपीय भारत की ओर आकर्षित होने का यही मुख्य कारण है। अरब व्यापारी भारतीय मसालों को यूरोपीय लोगों को बेचते थे। यूरोपीय लोगों के सामने यह सवाल था कि ये लोग इतना भारी मसाला कहाँ से लाते हैं। अरब अपने व्यापार को जारी रखने के लिए यह किसी को नहीं बताते। वास्को दी गामा इन मसालों की तलाश में भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। मसालों का उपयोग न केवल खाना पकाने में बल्कि इत्र, दवाओं और लाशों को संरक्षित करने में किया जाता था। कुल मसालों में से 75 मसालों का उत्पादन भारत में होता है। मसाला उत्पादन और निर्यात में भारत का पहला स्थान है। केरल की समृद्धि में मसालों और पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम काली मिर्च की मसाला फसल के बारे में जानने जा रहे हैं। केरल और कर्नाटक में काली मिर्च के उत्पादन में 96% से अधिक का योगदान होता है। केरल की तरह ही जलवायु ने हमारे कोंकण को लाभान्वित किया है। हालांकि काली मिर्च उत्पादन की तालिका में महाराष्ट्र कहीं नहीं है। काली मिर्च भारतीय राज्य केरल के मालाबार क्षेत्र की मूल निवासी है। काली मिर्च मसाला फसलों और समय के सोने के राजा के रूप में प्रसिद्ध है। काली मिर्च कोकण में आम है, सभी के घर के पास 2-4 बेले देखी जा सकती है। लेकिन वैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप से पहली बार काली मिर्च को कोकण में लगाया जा रहा है। वाव, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे किसी और से नहीं मिल सकती थी, तो थैंक यू अजिंक्य इसके लिए। तो अब हम चलते हैं फार्मिंग के पॉइंट में कि इसको जो है किस तरह से लगाया जाता है, उसकी फार्मिंग कैसे की जाती है, और उसके लिए हम चलते हैं सचिन के पास। सचिन हमें इसको आगे गाइड करेंगे। तो सचिन, मुझे बताइए आप कि इस प्लांट को बीज से लगाया जाता है या इसके लिए कोई और प्रोसेस है? ये बीज से भी उगाया जाता है, लेकिन नॉर्मली इसका जो इसके जो फार्मिंग की जाती है, लगाया जाता है, वो स्टेम से ही लोग उगाते हैं। मतलब इसकी यहाँ पे स्टेम कट करके आप मिट्टी में डाल दीजिए तो रूट्स डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसा है, प्लांट दिख रहा है हमने ये जो लगाया है उसको मिट्टी में लगा के उसको पेड़ का सपोर्ट देते हैं। तो काली मिर्च जो है वो इस तरह से लगती है, ये आप देख सकते हैं। इसका फ्लावरिंग जो है वो जून जुलाई में आता है, इसके छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और उसके अंदर जो काली मिर्च का बीज है वो तैयार होता है। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर देखने लायक कि इसका पॉलिनेशन जो है उसे मधुमक्खियों से नहीं, वो सेल्फ पॉलिनेट होता है और उसके लिए हमें लगती है बारिश। इसीलिए शायद यही रीज़न है कि कोकण और इसके एरिया या केरल जो एरिया है जहाँ पर कंटिन्यूस रेनफॉल होती रहती है, वो यहाँ पर वो इस प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वाटर ही है या ड्रॉपलेट्स ही हैं जिसकी वजह से ये पॉलिनेट होता है और आगे जो इसके बीज तैयार होते हैं। तो इसका जो हार्वेस्टिंग है फेब या मार्च के महीने में इसका हार्वेस्टिंग होता है।
हार्वेस्टिंग करने के बाद ये इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स आप जो देख रहे हैं ये बॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद होती है उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे आपने ये बीज जब बड़े हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम में इसको निकाल के इसे पकाया जाता है, और पका के सुखाने के बाद इसके अंदर जो कलर आता है वो है ब्लैक, जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं। वाइट पेपर भी आती है, अगर आप बहुत से लोगों को नहीं पता होता तो जो बॉल्स हैं अगर वो बॉल्स येलो या रेड हो जाती हैं, जो कि होती हैं उसके अंदर की, जो बहुत ही पहले आ जाती हैं वो बाद में पक के रेड हो जाती है, और वो रेड को अगर आप प्रोसेस करोगे तो वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट का रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, ब्लैक का कम मिलेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस काली मिर्च का। तो थैंक यू सचिन और थैंक यू अजिंक्य हमें बताने के लिए इसके बारे में पूरा जो प्रोसेस है। और इसी तरह के यंग फार्मर्स या फिर यंग जो लोग हैं वो इस तरह की फार्मिंग में आए तो फार्मिंग का रूप इंडिया में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। तो कुछ इस तरह से हमारा स्पाइस ट्रैवल है और स्टार्ट हो चुका है, और आपको कौन कौन से अगले वीडियो चाहिए वो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताना। तो अगला वीडियो हम सोच रहे हैं कि हम अगला वीडियो करेंगे तेज पत्ता के ऊपर, तमालपत्री जिसे बोलते हैं। तो तेज पत्ता के वीडियो के लिए आपको क्या करना है नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। इन दोनों के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इनको एनकरेज कीजिए, ताकि इन्हें देख के यहाँ के आजू बाजू के जो किसान हैं वो भी कुछ सीख पाएँ, कुछ नया कर पाएँ। क्योंकि अभी जैसे इन्होंने बताया कि ये चीज़ केरल में है, कर्नाटक में है, मगर कोकण में नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट कोकण का भी सेम है। तो इस तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट्स ये लोग कर रहे हैं, और भी लोग करेंगे इनको देख के। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले, उसमें कमेंट जरूर कर देना तेज पत्ता का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ओके फिर, बाय बाय।